पता है आपको प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब आप किसी की बातों में आ जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि आपका कोई दरअसल फ़ायदा उठा रहा है। जी हाँ, कोई कुछ कह देता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और भिड़ जाते हैं। नहीं, समाज में ऐसा ही नहीं हो रहा, टीवी सीरियल्स में भी हो रहा है। अब लीजिए, ये रिश्ते हैं प्यार के में, दो बहनों की भिड़ंत शुरू हो गई है और दोनों यही नहीं समझ पा रहे कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है उनके साथ। मिष्टी के नेक का हार कोहू ने तोड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया था मां। झूठ मत बोलो कोहू। ये जो कुछ भी हो रहा है वो मिष्टी की वजह से हो रहा है। ये जितनी भी प्रॉब्लम हुई है मिष्टी की वजह से हुई। वो बहुत झूठ बोलती है मां, वो हमेशा झूठ बोलती है। पूरे फैमिली को मेरे अगेंस्ट कार्ड भरती रहती है। मुझे हर बार के लिए देख करना बंद कर। यहाँ किसी ने कुछ नहीं तोड़ा है, तोड़ा है ना तुमने। अभी भी कॉफी में नीम की गोलियां तुमने ही मिलाई थी ना। आज अभी बीमार है ना तो वो भूख की वजह से। कुहू अपने मासूम चेहरे के पीछे जो जो हरकतें करती है और फिर कहती है कि मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया। पूरे घर वालों के सामने जब उसका भांडा फूटा तो भाई देखिए उसने कैसे अपना आपा खो दिया और सबका ब्लेम मिस्टी पर डाल दिया। बस दलदल में फंसती जा रही हूँ, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। उससे गलती से उस कॉफी में नींद की गोली गिर गई थी, वो भी मिष्टी ने पीछे से धक्का लग गया और वो गिर गई नीचे। उसको पता नहीं चला वो कॉफ़ी में गिरी है या फिर नीचे गिरी है, तो वो कन्फेस भी नहीं कर पाई कि क्या पता ना गिरी हो किसी कॉफ़ी में। तो ठीक है ना, किसी को पता नहीं चलेगा, बट क्योंकि अगर वो बोलती भी ये बात कि वो नींद की गोली लेके खड़ी थी और गिर गई, तो कोई घर में कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता और मिष्टी तो बिल्कुल भी नहीं करती। अब दोनों बहनें यूँ लड़ रही हैं, ये देखकर मीनाक्षी देवी अंदर ही अंदर जरूर खुश हो रही होंगी, क्योंकि यही तो चाहती थी मीनाक्षी देवी। और मीनाक्षी देवी ये भी अच्छे से जानती है कि कुहू गलत है, मिष्टी सही है। आप देखिए विशंबर के सामने कैसे नाटक कर रही हैं दोनों बेटियों को गलत साबित करने का। जाहिर सी बात है, अगर गलती की है तो फिर सजा तो मिलेगी, और सजा मिलेगी तो सजा भुगतनी भी पड़ेगी, और जब भुगतेंगे तो उसके बाद आगे का कदम होगा कि क्या माफ किया जाए या छोड़ दिया जाए। अब मम्मी जी इतनी जल्दी फैसला ना सुनाए, क्योंकि आपका बेटा ना जिसके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है अबीर, जब वो होश में आएगा तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बालों में गजरा हो और एक सुंदर सी बनारसी साड़ी हो, एकदम वो यस्टर इयर्स वाला फील आता है। एंड दिस इज द परफेक्ट लुक अगर आप किसी की सगाई के फंक्शन पे या शादी के फंक्शन पे जा रहे हैं। और सगाई पे तो हमें जाना है ना, वो क्या है कि गुड्डन की सगाई हो रही है ना, एजे से तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, और तभी तो वो बहुत परेशान है। गुड्डन की हो रही है सगाई, गुड्डन किसी और की हो रही है, ये देखकर क्या एजे को जलन होगी? क्या एजे सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देगा? अब वो
प्यार का इजहार करेगा या नहीं, यही जानने के लिए तो गुड्डन और उसके परिवार वाले मिलकर इस नकली सगाई का ड्रामा कर रहे हैं। जी हाँ, ये गुड्डन की नकली सगाई है। अब सबको लगा था कि ये सगाई नहीं होगी, सगाई होते होते ही एजे प्रपोज कर देगा गुड्डन को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुड्डन और पूरी फैमिली, दादी एंड ऑल द बहू सरस्वती छोड़ के, एक प्लान बनाते हैं कि गुड्डन का जो फिल्म का कोस्टार है उसके साथ उसकी शादी करवाते हैं, नकली नाटक करने वाली, जिसमें एजे को जलन होगी, पोजेसिवनेस होगी, प्रोटेक्शन होगी, और उसमें वो आके अपना दिल की भड़ास निकाल देगा, बोल देगा दैट गुड्डन आई लव यू। लेकिन ये प्लान किसी हद तक, सगाई तक कामयाब हो जाता है। गुड्डन को मजबूरन सगाई करनी पड़ती है क्योंकि एजे अपने इमोशंस को किसी तरह लास्ट मोमेंट पे कंट्रोल कर लेता है। अब सगाई तो झूठी मूठी हो गई, लेकिन उसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि कब एजे आई लव यू कहेगा। एजे ने ऐसा कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि गुड्डन की जिंदगी में जब से वो आया है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने कभी गुड्डन को प्यार और खुशी दी ही नहीं है, इसीलिए वो खुद गुड्डन की शादी करवाएगा। मैंने आज तक सिवाय पेन के और सिवाय तकलीफ के गुड्डन को और कुछ नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। और एजे ये प्रण लेता है कि मैंने आज तक गुड्डन पे भरोसा ना करके उसको बहुत तकलीफ हो चाहिए, तो मैं उसकी जिंदगी में रुकूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं गुड्डन का प्यार डिजर्व नहीं करता। अब एक और वो खुद गुड्डन की शादी करवाएगा, तो दूसरी ओर गुड्डन के साथ रहने के सपने क्यों देख रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन में क्या क्या होगा ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि मंडप भी सजेगा, दुल्हन भी सजेगी, लेकिन शादी तो होगी नहीं। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे सीरियल राधा कृष्ण में अभी तक हमने रासलीला देखी, प्रेम भरी कहानी देखी, लेकिन अब कहानी शुरू हो रही है धर्म की। जी हाँ, धर्म युद्ध की बात होगी, महाभारत की बात होगी, और ऐसे में एंट्री हो चुकी है अर्जुन की। राधा कृष्ण में हो रही है धनुर्धारी अर्जुन की एंट्री, और ये अर्जुन बनकर आए हैं अभिनेता किंचुक वैद्य। माथे पर धनुष वाला तिलक लगाकर, शरीर पर दिव्य गहने पहनकर, हाथ में धनुष पकड़कर, हवा में उड़ते हुए वो लगा रहे हैं निशाना घूमती हुई मछली पर, जो द्रौपदी के स्वयंवर के लिए था। वैसे तो तराजू में पैर वाली कहानी हम सब ने सुनी है, मगर यहाँ अर्जुन के लिए खास आधार बनाए गए थे जिस पर संतुलन बनाने की अर्जुन कोशिश कर रहे थे। ये सीरियल का प्रोमो शूट है, और इसी प्रोमो से आगाज हो गया कि राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी में अब दिखेगी महाभारत की कहानी। धर्म जो है, धर्म स्थापना की ओर हमारा शो अभी बढ़ रहा है, तो धर्म का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, क्या है वो चीज़ जहाँ से वो शुरू होता है। तो प्रोमो में भी यही आइडिया है कि जैसे कि एक मोरपंख आप देखते हैं, जो मोरपंख आप देखते हैं दैट्स, आप समझ सकते हो कि दोनों वेज में इसे लिया जा सकता है कि उसका एक पोर्शन होता है जो उसकी स्टेम होती है जहाँ से वो शुरू होता है, और बाकी मोरपंख होता है। तो एक पोर्शन है उसका धर्म और दूसरा पोर्शन है उसका प्रेम, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कैसे ये शो में एलैबोरेट किया जाएगा। सच कहा श्री कृष्ण ने, वो राधा को अर्जुन की कहानी बयां कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने भी राधा के साथ झूला झूलते हुए हाथ में मोर पंख थाम लिया, और फिर मोर पंख को उल्टा करके बाण छोड़ने का इशारा किया, जो इशारा है अर्जुन के आगमन का। अभी महाभारत में आप सोचोगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, कहाँ से ये बात आ गई। तो ये एक एंगल है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। जो स्टोरी है, जो मेन स्टोरी जिसकी आप बात करें महाभारत, तो वो एग्जैक्टली एक होता है कि हर एक चीज़ को देखने का एंगल अलग होता है।
आप किस एंगल से किस चीज़ को देखते हो। तो प्रेम के नज़रिए से महाभारत हम दिखा रहे हैं। इस प्रोमो शूट के लिए तैयारी तो बहुत हुई है, अर्जुन के कॉस्ट्यूम और गहनों से लेकर सेट की सजावट तक। और हाँ, अर्जुन के धनुष को भी चमकाकर खास तैयार किया गया। और जब ये तैयारी चल रही थी, तब श्री कृष्ण गिटार पर अपने सीरियल की धुन तैयार कर रहे थे। जरा सुनिए श्री कृष्ण ज्ञान के सुमेध की ये छुपी हुई कला। श्री कृष्ण ने इस धुन से वातावरण में प्रेम भर दिया, तो अर्जुन के धनुष के टंकार से धर्म युद्ध का आगाज हो गया। तो इंतजार रहेगा सीरियल राधा कृष्ण में प्रेम के नजरिए से दिखाई जाने वाली महाभारत का। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। देखिए, माना कि हम जो टैक्स भरते हैं उसी से इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप भाई बात करने पर भी टैक्स लगा दे। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भाभी जी के मोहल्ले में। जी हाँ, अब भाभी जी से बात करनी है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। हाय बेचारे विभूति नारायण और तिवारी जी, इनका क्या होगा। भाभी जी से बात करनी है तो भरना पड़ेगा टैक्स। भारत भर के व्यापारी जीएसटी भर रहे हैं, वैसे ही अब विभूति तिवारी को भाभी जी से बात करने के लिए भरना पड़ेगा बीएसटी, जिसकी गिनती करने के लिए भाभी जी के घर आए हैं एक मुनीम जी, जो अपने साथ स्टॉप वॉच लेकर बैठे हैं। और अगर विभूति नारायण ने अंगूरी भाभी से डायरेक्ट बात कर ली तो टैक्स लागू हो जाएगा। इसलिए विभूति नारायण ने तिवारी जी को मीडिएटर बनाया है और उनके जरिए भाभी जी के साथ फ्लर्टिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो यही है, बहुत ही मज़ेदार सी सिचुएशन है जिसमें सब टैक्स वैक्स का वो चल रहा है। वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं फ्लर्ट करें, लेकिन ऑफकोर्स लड्डू के भैया के सामने नहीं कर सकते। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। भाई ये भाभी जी सानिध्य टैक्स तो बहुत भारी है, इसलिए यहाँ टैक्स चोरी भी हो रही है। विभूति नारायण भाभी जी से बात करने के लिए आधी रात चुपके से उनके कमरे में पहुँच गए हैं और भाभी जी के साथ बतिया रहे हैं। और यहाँ तिवारी जी भी नहीं है, इसका तो यही मतलब है कि तिवारी जी भी आधी रात को अनिता भाभी से बातें करने पहुंच गए हैं। एक जैसे लोग जीएसटी से और दुनिया भर के टैक्स से परेशान हैं, हमारी जो न्यूज स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें बीएसटी लगा है, भाभी जी सानिध्य टैक्स। तो जो भी पराया मर्द भाभी जी को परेशान करेगा या आके बात करेगा तो उसको टैक्स लगेगा, और टैक्स भी अच्छा खासा, मतलब महंगा ही टैक्स है। तो दोनों जो बेचारे तिवारी और विभूति परेशान हैं और छुप छुप के भाभीयों से बात करने जा रहे हैं, तो मुझे रात को आके जगाते हैं, मैं डर जाती हूँ। तो विभूति तिवारी ऐसे ही टैक्स चोरी करते रहेंगे, और अगर भाभी जी से डायरेक्ट बात कर ली तो फिर कितना टैक्स भरेंगे, यही तो देखने में मजा आएगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।